Subscribe to my channel and click on that bell button for further notifications. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी नाइट केयर रूटीन, हाउ आई टेक केयर ऑफ माय स्किन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं अपना मेकअप रिमूव करूंगी, और मेकअप रिमूव करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गार्नियर का ये इन्फ्यूज्ड ऑयल इन्फ्यूज्ड वाटर. ये बहुत ही अच्छा वाटर है और ये आपका जो मेकअप है बहुत ही स्मूथली रिमूव करता है विदाउट गेटिंग योर स्किन डल एंड व्हाट वी से ड्राई. बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग वाटर है ये, और ये आपका मेकअप देखो कितने अच्छे से रिमूव करेगा. इवन योर वाटरप्रूफ मस्कारा, जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है मेकअप में रिमूव करने के लिए, ये बहुत ही जेंटली रिमूव करता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना मेकअप हमेशा रिमूव करके ही सोएं, अदरवाइज आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग होंगे एंड आपको पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स एंड पिम्पल्स, जो भी बुरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फेस पे वो हो सकती हैं अगर आप अपना मेकअप नहीं रिमूव करेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप मैं ले रही हूँ ये सेटाफिल का ये क्लिनजिंग लोशन. अब मैं दो बार फॉलो करती हूँ क्लीन करना अपना फेस. फर्स्ट पहला करती हूँ मैं ये इन्फ्यूज्ड वाटर से, एंड नेक्स्टली मैं करती हूँ सेटाफिल के क्लिनजिंग लोशन से. अब ये सेटाफिल का जो ये क्लिनजिंग लोशन है, इट्स अ वेरी नाइस, वेरी माइल्ड ऑन योर स्किन, बिल्कुल भी आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता, एंड ये बहुत ही अच्छा आपके फेस के लिए काम करता है. एंड आप देखेंगे कि वाटर से निकालने के बाद भी मेरे फेस पर अभी भी डर्ट है, और कितने आराम से कितने जेंटली मैं रिमूव कर रही हूँ. यू सी, इट्स अ वेरी नाइस क्लिनजिंग लोशन. सो बहुत अफोर्डेबल भी है, हर स्किन के स्किन टाइप के लिए ये मैं रिकमेंड करूँगी आपको. ड्राई है, ऑयली है, इट्स अ वेरी नाइस क्लिनजर. अब मैंने अपना मेकअप रिमूव कर दिया है. दूसरा थर्ड स्टेप मैं जो करूँगी, मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी फेस वॉश से, और ये एलोवेरा का एलोवेरा बेस्ड फेस वॉश है. आप कोई भी फेस वॉश ले सकते हैं अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंगली. अगर आपकी ड्राई है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी ये फेस वॉश. ये फेस शॉप से है एंड बहुत ही अफोर्डेबल भी है और बहुत ही जेंटल है आपके स्किन पे. और मैं टिश्यू पेपर की हेल्प से अपने फेस को वाइप कर रही हूँ. आप कोई भी क्लीन टॉल या टिश्यू पेपर यूज़ करें अपने फेस के लिए. नेवर एवर यूज़, जो आप अपने बॉडी पे टॉल यूज़ करते हैं वो आप अपने फेस पे कभी भी यूज़ ना करें प्लीज़, अदरवाइज़ आपके फेस पे बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सो मेक श्योर आप टिश्यू पेपर ही यूज़ करें, और अगर आप अपना फेस टॉल यूज़ करते हैं तो मेक श्योर कि आप हर डेली आपका जो फेस टॉवल है वो न्यू हो. अब मैं अपना मास्क यूज़ कर रही हूँ. ये मास्क मैं हफ्ते में एक या दो बार यूज़ करती हूँ, नॉट एवरी टाइम. ये एक एडिशनल स्टेप है, अगर आपको चाहिए, अगर आप करना चाहते हैं तो आप करें, अगर स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं. मैंने ये पैक बनाया है कॉफ़ी से एंड कोको पाउडर, उसमें थोड़ा सा हनी एंड ऑलिव ऑयल ऐड करके मैं इसको अपनी जेंटली अपने स्किन पर मसाज करूँगी. ये मुझे ये वाला जो पैक है ये मुझे बहुत पसंद, लाइक आई जस्ट लव दिस पैक, क्योंकि ये आपकी स्किन को इतना हाइड्रेट कर देता है और बिल्कुल इंस्टेंट ग्लो आता है आपके फेस पर. 5 मिनट्स इसको जेंटली अपने स्किन पे रब करूँगी, बिकॉज इसमें थोड़े से लाइक कॉफ़ी है तो ग्रैन्यूल्स होते हैं आपके फेस को. अगर आप हार्शली इसको रब करोगे तो बहुत ही लाइक आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी. ड्राई नहीं, फ्लेकी, मतलब आप समझ सकते हैं, लाइक इट्स नॉट गुड टू मसाज इट वेरी हार्डली, राइट. तो आप बिल्कुल जेंटली इसको मसाज करें एंड यू कैन सी कितना अच्छा ग्लो आ गया मेरे फेस पर. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद अ टोनर. इसके बाद मैं टोनर यूज़ करूँगी, एंड टोनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन. ये टोनर है फेस शॉप का, एंड ये आपकी स्किन को लिफ्ट करता है. इट्स अ वेरी नाइस टोनर, और आप कोई भी जो मार्केट में टोनर हो आप वो यूज़ कर सकते हैं. निविया का, बायोडर्मा का, बहुत सारे हैं टोनर्स जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करें. मेक श्योर कि आप टोनर हमेशा पैटिंग मोशन में अप्लाई करें, कभी भी उसको मसाज या रब ना करें. मतलब मसाज आप सिर्फ उसको स्प्रेड करें अपने स्किन पर एंड देन पैट इट लाइक आई एम डूइंग. और मैं 3 to 4 times टोनर यूज़ करूँगी अपने स्किन में. अब टोनर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके किसी भी स्किन के रेजिमे में, क्योंकि टोनर जो होता है ये आपकी स्किन को एक तो हाइड्रेट करता है,
और एजिंग से बचाता है, ठीक है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, तो प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग टोनर अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, और मेक श्योर करें कि हमेशा हाइड्रेट हाइड्रेट वाला टोनर यूज़ करें आप, ठीक है। एंड उसके लिए आपको बिल्कुल अल्कोहल फ्री टोनर यूज़ करने हैं, मेक श्योर अल्कोहल बेस्ड वाले नहीं, अल्कोहल फ्री वाले यूज़ करने हैं। और आप देख सकते हैं मैंने ये 4 टाइम्स टोनर यूज़ किया। आप चाहे तो आप 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं, 1 बार भी यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू यूज़ योर टोनर। आई नो आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, बट आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। पहले मैं भी यूज़ नहीं करती थी, बट पिछले कुछ महीनों से आई हैव स्टार्टेड टू यूज़ टोनर, और मैंने बहुत बड़ा डिफरेंस देखा अपने स्किन पे। आई एम यूजिंग इट इन अ पैटिंग मोशन। हमेशा आप कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हमेशा उसको आप ना ऐसे पैटिंग मोशन में कीजिए, एंड जस्ट ट्राई टू लिफ्ट योर फेस इन अपवर्ड्स मोशन। एंड गाइज, अगर आप नहीं स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं रात को, प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट, बिकॉज यू नो हमारी स्किन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट, प्लीज़। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ आई एम यूजिंग सीरम फ्रॉम द सेम ब्रांड फ्रेस शॉप, एंड दिस इज़ अ कोलाजन सीरम सेम एज द टोनर। और आप चाहें तो आप ये स्किप कर सकते हैं, बट मुझे सीरम यूज़ करना बहुत पसंद है। तो आप घर पे भी सीरम बना सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं आलमंड ऑयल, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आलमंड ऑयल, विटामिन ई के कैप्सूल्स, एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ एलोवेरा जेल फॉर दैट। और आप सीरम को लगाइए सेम उसी वे में जैसे मैंने टोनर लगाया, पैटिंग मोशन में, बट इसको मैं सिर्फ एक ही बार लगाऊंगी सीरम को, और इसको अपवर्ड मोशन में मैं यूज़ करूंगी, अपने फेस को बिल्कुल अपवर्ड मोशन में लिफ्ट करूंगी। जब आप टोनर यूज़ करते हैं या सीरम यूज़ करते हैं, आप इंस्टेंट अपने स्किन में रिजल्ट देखते हैं। योर स्किन, आपकी स्किन इतनी प्लम्प लगती है, और लाइक वेरी बेबी काइंड ऑफ स्किन, लाइक बेबी स्किन होती है ना, वैसी आप फील करते हो अपनी स्किन पे। अब ये ऑप्शनल है, अगर आपने सीरम यूज़ कर लिया तो आपको नाइट क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे लगानी है और मैं ये ओले की यूज़ कर रही हूँ, और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट लिया है बिकॉज ऑलरेडी मेरी स्किन इतनी हाइड्रेट हो गई है, और क्योंकि मैंने सीरम यूज़ किया, टोनर यूज़ किया, सो मैंने ये ओले की एंटी रिंकल क्रीम यूज़ की है। नाउ दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आप अगर क्रीम यूज़ करते हैं, प्लीज़ मेक श्योर अगर आप 25 अबव हैं तो, या 26, 27 अबव है, स्टार्ट यूजिंग एंटी रिंकल क्रीम, बिकॉज रिंकल्स आने का कोई टाइम नहीं होता, वो कभी भी आ सकते हैं अगर आप अपनी स्किन की केयर नहीं करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू यूज़ एंटी रिंकल क्रीम, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ दिस आई क्रीम। आई क्रीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सबसे जो डेलिकेट पार्ट हमारे स्किन में फेस पे होता है वो है आईज़। आईज़ हमेशा हमारी हाइड्रेट रखनी चाहिए, और इसके लिए मैंने सेम वही जो सीरम आपको मैंने बताया था वही यूज़ किया है। नाउ दिस इज़ द लास्ट स्टेप, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कीजिए। आप बस आई क्रीम लगा के, लिप बाम लगा के, दैट्स ऑल। बट मुझे ये बैम्बू जेल फेस शॉप का इतना पसंद है, एंड मैं इसको अपने स्किन पे अच्छे से इसको 1 to 2 layers लगा कर इसको सो जाती हूँ। मुझे मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा मसाज करके, बिल्कुल हल्का सा, ओनली फॉर आई थिंक 5 to 10 seconds के लिए इसको अच्छे से रख कर अपने स्किन में आई स्लीप, एंड जब मैं सुबह उठती हूँ मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है, आई कॉन्ट टेल यू, आई जस्ट लव दिस बैम्बू जेल। यू कैन ऑल्सो यूज़ एलोवेरा जेल। सो येस, अब यही मैं फॉलो करती हूँ अपनी स्किन केयर में। अगर आपको ये पसंद आएगा सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू हाइड्रेट योर लिप्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम यूजिंग दिस कैरामेक्स लिप बाम। यू कैन यूज़ एनी like Vaseline or any lip balms. Okay, so I'll see you in my next video. Bye.